मगर के सामने इतनी छोटी सी बात का इशू बनाने की। आपको लगता है छोटी सी बात है? अहमर इस घर का होने वाला दामाद है और आपकी बहू ने जो उसकी इंसल्ट की है ना, अगर वो इसका इशू बना ले तो फिर? मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ईमान किसी घर आए हुए मेहमान के साथ कोई गैर अखलाकी बात करेगी। भाई इन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आपकी बहू नहीं। हर बार उसकी हरकतें अपनी आंखों से देखने के बावजूद आप सिर्फ उसी की तरफदारी करते हैं। हे, नजवा, अम्मा, बेटा, मुझे लगता है इस दफा वाकई गलती ईमान की है। उसे इस अंदाज से अहमर को जवाब नहीं देना चाहिए था। उसका ये रवैया माँ और अहमर के रिश्ते पे असरअंदाज हो सकता है। तुम सोच नहीं सकते कि ईमान की उस हरकत पर उसकी कितनी इंसल्ट हुई है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? I mean, वो भी मेरी वजह से। What do you mean by मेरे लिए? You are such an important person in my life, and हमारी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा हो। और ईमान अगर तुम्हें कुछ कह दे वो मैं तो क्या घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको मुझसे हमेशा से ही प्रॉब्लम थी और अब शायद उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। See, I don't care उसको तुमसे जो भी तकलीफ थी, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसके लिए वही बहुत बड़ी मेहरबानी है। वरना मैंने तो इरादा कर लिया था ना कि मैं उसको घर से निकाल दूंगी। हाँ, लेकिन आज के बाद तुम्हारी इंसल्ट की या ये बात याद रखना कि फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। चलता तो खैर करना है उसे, बट डोंट वरी, जो काम तुमने अधूरा छोड़ दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। यू नो व्हाट, यू आर अ स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। वो तो है। मैं बहुत खुशनसीब हूं, बहुत ज्यादा। आई नो राइट। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।